विधानसभा चुनाव 2023 के प्रचार पर मुलताई आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलताई के भाजपा उम्मीदवार चंद्रशेखर देशमुख सहित बैतूल से हेमंत खंडेलवाल, आमला उम्मीदवार डॉक्टर योगेश पंडागरे, घोड़ा डोंगरी से गीता सज्जन सिंह उइके, भेजदेही से महेंद्र सिंह को जिताने की अपील की। सीएम ने बैतूल जिले की आस्था का केंद्र ताप्ती मैया को प्रणाम कर उद्बोधन शुरू किया। सीएम ने कहा, जैसे उज्जैन में महाकाल महालोक बनाया वैसे ही ताप्ती महालोक बनाएंगे। बैतूल में जितने बड़े बांध बने वो हमने बनाए, जितने प्रस्तावित बांध हैं वो भी हम बनाएंगे। कमला सरकार हमेशा रोती रहती थी कि पैसा नहीं है, मेरे लिए कोई जीवित जागृत देवियां हैं तो मेरी बेटियां हैं। कांग्रेस यो सुन लो, शिवराज सिंह चौहान बेटियों की आंखों में आंसू नहीं रहने देगा। सीएम को युवक ने कहा, आई लव यू मामा। सीएम बोले, आई लव यू टू। लाडली बहना योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। बैतूल सीएम ने मुलताई में लाडली बहना योजना पर सबसे ज्यादा जोर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं। सीएम ने कहा, भांजे भांजियों को वोट से मतलब नहीं मामा से मतलब होना चाहिए। बैतूल में मेडिकल कॉलेज खुल रहे। बैतूल में सीएम ने कहा कि जलने वाले जला करें, मुझे परवाह नहीं, अगर कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना ही बहना रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग बहनों को आइटम कहते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर देश को कोई बचा सकता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा में जनता से अपील की कि आप अपना आशीर्वाद सभी भाजपा प्रत्याशियों को दीजिए, बाकी काम मामा पर छोड़ दीजिए। सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि कमलनाथ ने पहले टिकट बांट दिए, कपड़े फटे तो कई टिकट बदल भी दिए, पूरी कांग्रेस कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो चुकी है, भाजपा को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। परिवार की सरकार मतलब परिवार की सरकार का मतलब निशुल्क राशन प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। बंद रहने के लिए घर अभी सुन लेना ध्यान से, प्रधानमंत्री आवास योजना में कई के मकान छूट गए और गरीब आदमी कहता देखो टपरिया में पड़े झोंपड़ी में पड़े। अब हमने जिनके नाम छूट गया उनके लिए बनाई है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, फार्म भरवा रहे हैं। और सुनो मेरे बहनों भाइयों, जो पीएम आवास योजना में छूट गए उनको मकान बनाने के सीएम आवास योजना से पैसा दूंगा, कच्चे घर में कोई नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। खेतों में सिंचाई की बात मैंने आपसे कही है, लेकिन इसके साथ साथ ये मेरे बच्चे भांजे भांजी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, लेकिन कांग्रेस बड़ी परेशान है। चुनाव आयोग को लिख रही है मामा की शिकायत, बोले मामा तो कहता है चुपचाप पैसा डाल दूंगा। अरे बहनों 10 तारीख फिरा रही है, 10 तारीख फिरा रही है, चुनाव में सीधे पैसे नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे चुनाव के समय आचार संहिता के कारण क्लिक करके पैसे नहीं डालूंगा, लेकिन तुम्हारे सबके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे, चिंता मत करना, उसका इंतजाम मैंने कर दिया। कांग्रेस तो अजब गजब हो गई है, पहले सोनिया कांग्रेस से, कमलनाथ कांग्रेस ही टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ जी ने ले ली, उनके बेटे नकुलनाथ ने टिकट बांट दिए, और बाद में जब गदर हुआ तो कमलनाथ जी ने कह दिया दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, जबरन के कपड़े फाड़ो, तो कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई, और बाद में जब फिर और गदर मचा तो अब कई टिकट बदल रहे, कुछ बदल भी दिए, तो टिकट बदल कांग्रेस हो गई। कांग्रेस घबराई है, परेशान है, और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, मैं जनता का आभारी हूँ।